अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चावल, जो हर एक को पसंद होता है और तकरीबन सभी शौक से खाते हैं। तो आज बहुत ही स्पेशल तरीके से दाल और चावल बनाएंगे और उसके साथ फ्राई मिर्चें तलेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरह से दाल चावल हम तैयार करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर दालें लेंगे। दाल यहाँ पर हमने लिए हैं एक कप मूंग की और एक कप मसूर की दाल ली है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और कुछ यहाँ पर हम हरा मसाला लेंगे। हरे मसाले में हम यहाँ पर एक बड़े साइज़ का अनियन लेंगे और एक दरमियाने साइज़ का टमाटर और एक फूल एक कली हम पूरी उसकी लेंगे, लहसुन की, देसी लहसुन की पूरी एक कली ली है। और दो अदद हमने ग्रीन चिली लिए, बीस से कट कर दिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस मोटी मिर्चों से दाल में। और कुछ स्पाइसेस लिए हैं यहाँ पे, कुछ स्पाइसेस यहाँ पे इस तरह से हैं। 1 टेबलस्पून हमने सुरख लाल मिर्च लिए, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और यहाँ पे एक पैन ले लिए, इसमें मैंने ऑलरेडी पानी ऐड कर दिया था, अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी को गर्म होने देंगे, पानी गर्म होने के बाद ही हम इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। तो दाल में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी साफ़ करने के बाद ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं इसके अंदर। ऐड करने के बाद अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पूरे 40 मिनट तक कुक करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे गाढ़ी गाढ़ी घुटी घुटी दाल बनानी है हमने, बहुत ही मज़ेदार सी। और लास्ट में इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जिससे दाल और फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो यहाँ देखें, दूसरी तरफ हमने चावल ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए हैं। 3 पाव चावल को मैंने साफ़ कर लिए हैं, इसे हम भिगो देंगे और चावल में बॉयल करूँगी। तो हमने एक तरफ पैन में पानी भी रख दिया है, पानी उबालने के लिए, कि चावल का पानी है ये, इसमें बॉयल आएगा। तो हम चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर। यहाँ देखें बॉयल आ चुका है इसके अंदर। तो अब इसे भींगे हुए चावल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे बॉयल करेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। चावल 80% कुक हो चुके हैं चावल। और यहाँ देखें, हमने इसे पानी से निकाल लिए हैं और निकालने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट तक घी डाल के दम पे रख देंगे और नीचे हम तवा रख देंगे इसके, ताकि चावल हमारे जले नहीं। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम रखेंगे इसे, ताकि जो 20% चावल है वो कुक हो जाए और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा चावल में घी के बाद। तो यहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हैं, अब हम मिर्चें फ्राई करेंगे। दाल देख लेते हैं, दाल पहले देख लेते हैं, दाल में अभी काफ़ी टाइम है। तो हम एक तरफ मिर्चें फ्राई कर लेंगे। दाल अभी फटी है तो दाल को तकरीबन हमें 20 मिनट और कुक करना है। अब एक तरफ मैंने छोटा सा पैन रख दिया है, इसमें ही मैं मिर्चें फ्राई करती हूँ, तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। थोड़ा सा कलर ख़राब हो गया है, छोटी सी पतीली यही है हमारी। और इसमें मैंने छोटा सा अनियन दिया है, हाफ अनियन ऐड किया है मैंने स्मॉल साइज़ का। और इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई करके और इसके अंदर हमने जो मोटी मिर्ची होती है जो हम तल के खाते हैं, उसी को ही मैंने कटिंग कर लिया है बारीक बारीक, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। पहले हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज गोल्डन फ्राई होने के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है मिर्चें। अच्छा, ये तीखी मिर्चें नहीं है, ये फीकी थी तो मैंने इसके बीज नहीं निकाले। अगर आपके पास तीखी मिर्चें हो तो लाजमी आपने इसका बीज निकाल लेना है, वरना आपकी मिर्चों का टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएंगी जो खाई भी नहीं जा सकती। तो आपने तीखी मिर्चों के बीज निकाल लेना है। फीकी मिर्चें हों तो आप उसके बीज रहने दें। और यहाँ पे हमने मसाला तैयार किया था, सौंफ है, धनिया है, ज़ीरा है, इसे हल्का सा रोस्ट किया और हमने इसे कूट लिया दरदरा सा। और यहाँ पे मिर्चें ऐड कर दी
और इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमने घर में मसाला तैयार किया है मिर्चों का, वो ऐड करेंगे। और यहाँ देखें कितनी अच्छी तरह से मसाला बना हुआ है और बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इस मसाले का मिर्चों में। आप इसे जब मिर्चें भरें तो उसमें भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। मैं यही मसाला ऐड करती हूँ और 1 लेमन जूस मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और दूसरी तरफ देखें हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से घुल गई है और घुटी घुटी सी हो गई है, तो उसका पानी हमें ड्राई करना है। थोड़ा थोड़ी पतली है दाल, इसे हम ड्राई करने के बाद तड़का लगाएंगे। तो यहाँ देखें दाल को मैंने इसकी मदद से घोट लिया था, तो दाल बहुत घुटी घुटी। अब इसमें हम जो सीक्रेट चीज़ डालेंगे, चिकन पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम चिकन पाउडर डाल देंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इससे, कश्मीरी दाल चावल का फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने तरफ हमने फ्राई पैन रख लिया है। फ्राई पैन में हम बघार तैयार करेंगे अपना। यहाँ देखें बघार में हमने 1/2 कप ऑयल ऐड करना है। 1/2 कप ऑयल के बाद हमने 1 अनियन ले लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पे रेड ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये अच्छा, ये सूखी हुई मिर्चें नहीं है, ये ग्रीन चिली में से ही रेड हो गई थी, तो मैंने उसी का ही तड़का, बहुत अच्छा तड़का लगता है इसका, बहुत ही टेस्टी। और इसे बहुत अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है। सबसे पहले ऑयल में आपने यही डालना है मिर्चें डाल के इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लें, बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं दाल में। तो देखें बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को हम फ्राई करेंगे और ज़ीरा ऐड करेंगे, फिर तड़का लगा देंगे। यहाँ पे देखें तड़के में हमने प्याज भी ऐड कर दिया है, प्याज को भी हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और इसी दौरान ही फ्राई के दौरान ही हमें ज़ीरा ऐड कर देना है, ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। और देखें प्याज गोल्डन फ्राई हो रही है और हम इसे तड़का लगा देंगे। देखें तड़का लग चुका है दाल में, बड़ा ही टेस्टी सा दाल तैयार है। और हमने डिश आउट भी कर लिया है, यहाँ देखें डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सा दाल चावल और फ्राई मिर्चें तैयार हैं। तो बनाइए, इंजॉय करें और सर्व करें। संडे में तो, संडे के दिन तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है दाल चावल का, तो इंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।